अभी हमें पैड और पेन मिलने वाला है, इसके अंदर हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। प्रिपरेशन और बेटर हो गई है अब तो, पहले यहाँ तक की चेयर्स लगी हुई थी, अब तो पूरा इन्होंने मस्त बना दिया यार। व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और कल के बारिश भरे दिन के बाद आज फाइनली धूप निकली है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये खुशी की बात है या उदास होने की। खुशी की बात इसलिए बिकॉज मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा ऑफिस जाते वक्त, कोई लाल बत्ती ख़राब नहीं होगी होपफुली, एंड मतलब आराम से पहुँच जाऊँगा। एंड उदास होने की बात इसलिए है बिकॉज धूप हो गई है तो गर्मी भी होने वाली है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मिक्स फीलिंग्स है मेरी आज के मौसम के बारे में। आज सुबह उठते ही मुझे न्यूज़ मिली कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, एंड ये भी पता चला कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने साउथ पोल के ऊपर लैंड किया है मून के, कुछ भी इनफैक्ट बाकी की सारी कंट्रीज़ ने आज तक नहीं किया है ये। एंड इसके अलावा मैंने बजट देखा चंद्रयान 3 का, इट वॉज अराउंड $75 मिलियन, एंड ये काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज से भी कम है। मतलब हॉलीवुड मूवीज़ बनाने में इतना पैसा लगाते हैं जितने में हम चांद पे पहुंच गए, मतलब सोचो इंडिया कितना कमाल का काम कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, थम्स अप फॉर चंद्रयान 3। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं कल ये टी शर्ट पहनूंगा, लेकिन सिंस कल बारिश हुई है पूरे दिन, मैंने देख ही लिया था, प्रेडिक्ट भी कर लिया था, तो मैंने वाइट नहीं पहना बिकॉज वाइट बहुत ईजिली स्टेन हो जाता है। इसलिए आज मुझे मौका मिला है मेरी फेवरेट रिक एंड मॉर्टी टी शर्ट पहनने का। आई लव रिक एंड मॉर्टी। दोस्तों मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, एक बात तो बताना भूल ही गया कि आज मेरा 12th डे है ऑफिस का, मतलब कल से वर्क फ्रॉम होम। वैसे तो मेरा 13th डे है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन मेरा 6 घंटे से सिर्फ 33 सेकंड्स कम था, तो वो दिन काउंट नहीं हुआ वर्क फ्रॉम ऑफिस का, तो मुझे आज 13th डे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं उस दिन को 12th डे बोल रहा हूँ क्योंकि वो एसेंशियली 12th डे ही है। तो ये चीज़ अच्छी है, कल से वर्क फ्रॉम होम है, आराम से उठ पाऊंगा शायद। वैसे मैं आराम से तो नहीं उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ सुबह 5:30, कभी कभार 6, आजकल 6:30 बज जा रहे हैं उठने में, इसलिए ना थोड़ा सा मामला खराब चल रहा है, बट यूजुअली मैं जल्दी उठ जाता हूँ। यार जाने से बारिश का मौसम कैसे होता जा रहा है यार, मैंने तो वाइट कपड़े पहन लिए, वाइट जूते भी पहन लिए यार, अब डर लग रहा है। चलो वापस धूप आ गई, थैंक गॉड। पता नहीं था ऐसी भी चीज बोलूंगा कि वापस धूप आ गई, थैंक गॉड। तो दोस्तों मैं ऑफिस पहुंच गया हूं। आज मैंने वो रास्ता लिया था जो मैंने कल बारिश से बचने के लिए लिया था, मतलब बारिश के जाम से बचने के लिए लिया था, एंड वो एक्चुअली इतना बेनिफिशियल नहीं है। मतलब सिर्फ अगर बारिश हो रही है तो आप ऐसे रास्ते पे जा सकते हो जहाँ पे कम ट्रैफिक होगा, तो उसी के लिए सही है, बट इन जनरल आई थिंक मुझे ओरिजिनल रास्ते से जाना चाहिए बिकॉज आज मुझे ज्यादा टाइम लग गया उस चक्कर में। तो चलो ऑफिस चलें, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी दोस्तों। हमारे ऑफिस के कैंपस में आज इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट क्विज होने वाला है, एंड उसकी तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है, काफी मस्त लग रहा है सब कुछ। प्रिपरेशन और बेटर हो गई है अब तो, पहले यहाँ तक की चेयर्स लगी हुई थी, अब तो पूरा इन्होंने मस्त बना दिया यार। अभी हमें पैड और पेन मिलने वाला है, इसके अंदर हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, एंड जिस भी 6 लोगों का सबसे ज़्यादा सही होगा उनको मिलेगा मौका वहाँ कम्पीट करने का मेन स्टेज पे। चलो टॉप 16 में टाइम। हम काफ़ी देर से इवेंट के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है पर इवेंट सो जाएंगे हम 3 बजे का बोल रहे हैं। सही में बहुत देर हो गई है अब तो एक्चुअली, एंड अभी इन्होंने बस हम इसलिए रुके हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंस डे के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड हम उसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं, तो क्या पता वो काम आ जाए एंड हमें आईफोन 14 मिल जाए एक साल बाद। सही में आज पहले कैंपस में हो रहा है, उसके बाद ये 10-12 कैंपसेज में होगा, एंड सबसे एक एक टीम सेलेक्ट होगी। एग्जैक्टली 20 कैंपस में सेलेक्ट होगा, एंड उसके बाद सबसे एक एक टीम आएगी, एंड तब उनमें से मिलेगा किसी को आईफोन 14। प्रमोशन तो ऐसा कर रखा है कि आज ही होने वाला है। सही में ऐसे प्रमोट कर रहे हैं लिटरली, ये स्टेज वेज स्टेज काफ़ी अच्छा। सही में इन्होंने पैसे बहुत खर्चे हैं ऐसा लग रहा है, सारे पैसे यहाँ खर्च दिए इसलिए प्राइस नहीं दे रहे इतने ज़्यादा ये। Mentioned by Sabjit as well, there's going to be a grand finale that's going to be conducted. तो दोस्तों काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे पता है, एंड हमें लग रहा है कि हमने काफियों के सही आंसर्स दिए हैं, उम्मीद तो है। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर शायद काफी लोगों को ना पता हो, तो हमें उम्मीद तो है कि हम जीत सकते हैं। हाँ, लगाती ने काफी पॉइंट्स ही पकड़ लिए थे। हाँ, मतलब एक था जिसके अंदर एक पोस्टर बना हुआ था, एंड उसके अंदर फॉन्ट वगैरह था, एंड थोड़ी बहुत क्लूज थे जैसे प्लेन बना हुआ था,
तो मेरे को लगा कि वो इंडिगो है उसका राइट आंसर। सही भी लग रहा था, तो फॉन्ट बिल्कुल वही था एंड वो प्लेन बना हुआ था उसके अंदर कहीं ना कहीं, एंड मतलब एंड वो ना मैं गो एयर भी हो सकता था वैसे उसका आंसर, बट वो इंडियन कंपनी है, गो एयर बंद का हुई है, गो एयर वैसे इंटरनेशनल कंपनी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम अच्छा परफॉर्म करें हैं तो हमें टॉप 6 में मौका मिल सकता है। तो देखो कॉल आएगा तो पता चलेगा, नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियसली हम वैसे हाँ, पर मज़ा बहुत आया हमको, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज था। क्विज का रिजल्ट ये रहा कि हम जीत गए, यस हाँ दोस्तों हम जीत गए हैं, ये रही मेरी ट्रॉफी। एक्चुअली में हम सिर्फ एक गुडी बॉक्स जीते हैं जो कि मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान है। बट अच्छा लगा यार, एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो दिया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको खाली हाथ तो नहीं भेजा ना बिल्कुल। आज ऑफिस का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने जितना इंटरेस्टिंग हो गया टुवर्ड्स द एंड। हमने वो क्विज किया जो कि बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगा कि यार अच्छी एक्टिविटी थी हमारे लिए, हमें मौका मिला, काफी नई नई चीजें पता चली, उसके बाद आंसर्स भी हमारे काफी करेक्ट हो गए थे, आई थिंक 18 out of 20 करेक्ट थे। बट टॉप 6 में तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारी कंपनी का एक लौंडा जो हमारे साथ में आया था, जिसने हमें मोटिवेट किया था कि भाई आ जाओ यार क्विज करते हैं, वो बंदा सेलेक्ट हो गया टॉप 6 में और जीत गया। हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे क्योंकि हमें काम था, बट हम जब वापस आए तो हमने देखा कि यार वो जीत चुका है, एंड इतना अच्छा लगा देख के कि यार सही है यार, बंदा काफी मोटिवेटेड था और उसने मतलब अच्छे से किया होगा यार, उसके टीम मेंबर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो जीते हैं ऑब्वियसली, एंड उन लोग को मौका मिलेगा सारे स्टेट्स के लोगों के अगेंस्ट जाने का, एंड उसके अंदर वो अगर जीत गए तो बहुत ही आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी ऑनेस्टली। तो दोस्तों ये है वो कॉन्सोलेशन प्राइज जो हमें क्विज जीते जीते हारने का मिला है। अब इसको हम खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको खाने के लिए। रिफ्रेशमेंट्स में एक्चुअली कुछ अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इस क्विज का कोई पॉइंट नहीं हुआ। वो हीरा स्वीट्स का चोकोलावा केक, हीरा स्वीट्स तो काफी जाना माना है चोकोलावा के लिए। और उसके बाद ओ नाइस मिक्स फ्रूट जूस, ये काय के लिए, ये भी काय के लिए। योगा बार, आई थिंक ये अच्छी चीज है, ये मेरे को पता नहीं कहाँ गई। और ये एक चम्मच, चम्मच सही चीज है, ये इससे काय खा लेगा। साथ में लाइक सैंडविच, ये कहाँ सैंडविच शायद नहीं मिला था, सिर्फ केचप मिली थी है ना, ये काय खा लेगा, ले गए। तो ये था हमारा गिफ्ट बॉक्स फ्रॉम द क्विज, साथ में जो ट्रॉफी मिली थी वो मेरे को वापस करनी पड़ी बिकॉज उन्होंने बोला कि ये आपकी नहीं है, मैंने समझाया उनको यार। तो दोस्तों आज डिनर में है आलू टिक्की जो कि हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट एक चीज़ हुई है हमारे साथ कि टिक्की के अंदर यूजुअली कोई ना कोई आटा होता है, जैसे बेसन होता है या तो या फिर आप मतलब वीट भी डाल सकते हो, बट हमारे पास जो टिक्की है उसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस आलू के से टिक्की बना के उसको फ्राई कर दिया गया है शालो, तो ठीक है मतलब आई थिंक ज़्यादा हेल्दी है ये। और साथ में हम देखने वाले हैं क्रिस पाइन की ऑल न्यू मूवी डंजन्स एंड ड्रैगन्स, ये रिसेंटली रिलीज़ हुई थी, आई थिंक 3-4 महीने हो गए होंगे उसको, और मैं बहुत टाइम सोच रहा था कि ये मूवी देखनी है मुझे, एंड रिसेंटली ये प्राइम पे आई है। इससे पहले फॉर रेंट या फिर बाइंग के लिए आई थी वो, बट हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था कि बस हम खरीद ले उसी टाइम, ये तो मतलब कुछ स्पेशल मूवीज़ के लिए होता है। ये रही हमारी डिलिशियस सी टिक्कियाँ, इसके साथ केचप होता तो मज़ा आ जाता, नहीं जानू ऐसे ही खा लेते हैं मतलब। सिर्फ टिक्की खा के तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा था, तो मैंने बाहर से सामान मंगवा ही लिया थोड़ा सा। हमने मंगवाया शॉर्मा और चिकन मलाई टिक्का, बट हमने घर का खाना भी खाया तो इसलिए इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है हमको। चलो आपको दिखाता हूँ खाना कैसा दिख रहा है। ये रहा शॉर्मा, उसके साथ में मिला है हमें हरी चटनी और मेयोनीज, और ये है चिकन मलाई टिक्का, इसके साथ में मिला है हमें प्याज चटनी, वो प्रॉबेबली हम नहीं खाएंगे, बट ये बहुत डिलिशियस दिख रहा है एंड हमने टेस्ट किया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शॉर्मा तो हमेशा से ही अच्छा है इसका वैसे। तो दोस्तों अब हम खा रहे हैं घर की बनी शाही रबड़ी। तो दोस्तों आज का दिन होता है समाप्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप सबसे कल मिलता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू ऑल टुमारो।